तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 चेंजेस के बारे में, जो कि तुम्हारे OB37 अपडेट के बाद होने वाले हैं। तो गाइस, मैंने इस 4 मिनट के वीडियो में पूरे अपडेट को कवर किया है। तो गाइस, रिक्वेस्ट है कि यार कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी चलते हैं अपने अपडेट नंबर 15 पे। तो गाइस, जब तुम लोग का क्लैश स्क्वाड का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता था, तो तुम लोग को ड्रॉप में सीथ मिलता था। बट गाइस, अपडेट के बाद तुम लोग को ड्रॉप में कटाना और एक ग्रेनेड मिलेगा, जो कि नूबड़ों के लिए बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि यार वो सीथ से पूरी स्क्वाड को अकेले वाइप आउट कर देते थे। अपडेट नंबर 14 गाइस, MP5, M4A1, स्कार, फार्मस जैसे गन में ट्रिपल चिप लगते थे, बट गाइस M10 इन सब लफड़ों से दूर था। बट गाइस, अपडेट के बाद M10 में भी ट्रिपल चिप लगेगा, एंड गाइस ट्रिपल चिप लगने के बाद इसका रेंज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अभी चलते हैं अपडेट नंबर 13 पे। गाइस, OB37 अपडेट के बाद तुम लोग क्लैश स्क्वाड में जिस भी गन पे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, तुम लोग उसके डिटेल्स के बारे में जान सकते हो। गाइस, अभी चलते हैं अपडेट नंबर 12 पे। तो गाइस, अभी के टाइम पे तुम लोग कटाना फायर करते होगे तो कुछ इस तरीके से फायर करता होगा, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। बट गाइस, OB37 अपडेट के बाद तुम लोग कटाना कुछ इस तरीके से फायर करोगे, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। गाइस, ये देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो अभी बात करते हैं अपडेट नंबर 11 की। तो गाइस, जब भी तुम लोग BR रैंक या फिर बैटल रॉयल खेलते होगे, तो तुम लोग का जो ये बॉक्स है वो मल्टी कलर्स में दिया गया है। बट गाइस, OB37 अपडेट के बाद इसको एकदम व्हाइट कर दिया गया है। यार, इससे अच्छा तो अपना पुराना वाला ही सही है। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट नंबर 10 की। तो गाइस, OB37 अपडेट के बाद गेम में एक न्यू ग्रेनेड को लाया गया है, जिसका नाम ट्रैम्पोलाइन है। एंड गाइस, इसकी हेल्प से तुम लोग ज्यादा हाइट वाली जगह पर भी इजीली जा सकते हो। एंड गाइस, तुम लोग बिना टीममेट्स के भी ग्लू वॉल के अंदर जा सकते हो। तो गाइस, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट नंबर 9 पे। गाइस, OB37 अपडेट के बाद गेम में इस मिनी लॉन्च पैड को भी लाया गया है। एंड गाइस, इसकी हेल्प से जोन सर्वाइव करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, एंड रैंक मैच खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अपडेट नंबर 8 गाइस, OB37 अपडेट के बाद इस मैप जूमिंग सिस्टम को और भी ज्यादा एडवांस कर दिया गया है, जिससे तुम लोग स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अभी चलते हैं अपडेट नंबर 7 पे। तो गाइस, जब भी तुम लोग का रेयर आइटम कोई निकलता था, तो तुम्हारा कांग्रेचुलेशन कुछ इस तरीके से लिखता था। बट गाइस, OB37 अपडेट के बाद ये कुछ इस तरीके से लिखेगा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा अपडेट नंबर 6 और 5। गाइस, अपडेट के बाद गेम में 2 न्यू वेपन को एड कर दिया गया है, जिनके नेम है ड्रैगन एंड एरमोरेला। एंड गाइस, तुम लोग इस एरमोरेला को शील्ड की तरह यूज कर सकते हो, जिसके यूज से तुम्हें गोलियां नहीं लगेंगी। एंड गाइस, बात करते हैं इस ड्रैगन गन की। 2-in-1 गन है गाइस, जिसको तुम लोग शॉटगन की तरह और ग्रेनेड की तरह दोनों की तरह यूज कर सकते हो। गाइस, यार ये क्लैश स्क्वाड में ना दे तो बढ़िया रहेगा। गाइस, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट नंबर 4 पे। तो गाइस, अभी के टाइम पे तुम्हारा जो वेपन सिस्टम है कुछ इस तरीके से, जिसमें तुम लोग को आर्मरी और ईवो गन केवल 2 ही फीचर्स दिए गए हैं। बट गाइस, OB37 अपडेट के बाद आर्मरी ईवो गन के साथ साथ यहाँ पे प्रोफिशिएंसी नाम का एक न्यू फीचर एड कर दिया गया है, एंड इसमें तुम लोग को फ्री के गन स्किन भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपडेट नंबर 3। गाइस, तुम लोग लोन वर्फ मैच को एक ही मैप में खेल खेल कर बोर हो गए होगे। एंड गाइस, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नेक्स्ट अपडेट में कर दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट में तुम्हें मिलेगा आइस ग्राउंड नाम का एक न्यू मैप, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तुम लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, एंड इसमें गेम प्ले करने भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइस, यार ये वाला अपडेट तो बढ़िया था। अभी चलते हैं अपडेट नंबर 2 पे। तो गाइस, अभी के टाइम पे तुम्हारा जो वेपन में गैलरी वाला फीचर है, तो उसमें तुम लोग को नॉर्मल इस तरीके का देखने को मिलता है। बट गाइस, OB37 अपडेट के बाद इसको नेम के साथ और भी ज्यादा एडवांस कर दिया गया है, जो कि यार दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अभी चलते हैं अपने लास्ट अपडेट नंबर 1 पे। तो गाइस, अभी के टाइम पे गेम में हमारे जो मिस्टर वैगर है, वो तुम्हें 120 सेकंड में एक ग्लू वॉल देता है। बट गाइस, अपडेट के बाद तुम्हें एक न्यू पेट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है एरवन। एंड गाइस, ये पेट लगभग 1 मिनट में एक टेलीस्कोप देगा। एंड गाइस, इसकी हेल्प से तुम लोग बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो और उसे इजीली फिनिश भी कर सकते हो। एंड तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने इसको यूज किया और सामने एक बंदा है और मैंने इसको इजीली वन टैप भी मार दिया। तो गाइस, जितने भी OB37 में आने वाले अपडेट थे, वो मैंने सारे अपडेट कवर कर दिया एक ही वीडियो में। अभी एक दो रह भी जाएंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and love you all guys।